हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शमाज किचन। सो ये शमाज किचन के नाम से आज मैं पहली रेसिपी है जो अपने चैनल पे शेयर कर रही हूँ। तो कैसे हो आप सब लोग, जल्दी जल्दी से बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड यस, क्योंकि चैनल की ये पहली वीडियो होगी, शुरुआत कर रहे हैं एक तरीके से, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मीठा कुछ शेयर किया जाए। और जैसे कि सबको पता है, गर्मी में ठंडा सबको बहुत अच्छा लगता है, ठंडा मीठा। तो यस, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ लस्सी। रमज़ान चल रहे हैं, ईद आने वाली है, एंड तो मैंने सोचा कुछ मीठा स्टार्ट करते। तो मैं लस्सी शेयर कर रही हूँ, जहाँ मैं आप लोगों के साथ दो लस्सी शेयर करूँगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैंगो लस्सी से। जो लस्सी बनाना होता है ना, वो किचन का सबसे आसान काम होता है, क्योंकि सब कुछ को एक ब्लेंडर में डाल करके उसको चर्न कर देना होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मैंगो लस्सी बनाने के लिए एक आम लिया हुआ है, ये अल्फांसो मैंगो है, अल्फांसो। एंड मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर ग्रीक योगर्ट, ठीक है। आप प्लेन योगर्ट या दही जो आपको अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर दो ग्लास लस्सी बना रही हूँ, और तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ये जो मैंगो पल्प है, तकरीबन हाफ से ज़्यादा कप के करीब होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कुछ हाफ से ही थोड़ा सा ज़्यादा मैंने योगर्ट लिया हुआ है, उसके बाद में उसमें हल्का सा पानी ऐड कर रही हूँ, और दो मैंने आइस क्यूब्स ऐड किए हैं, ठीक है। पानी इसलिए ऐड किया हुआ है क्योंकि जो मैंगो होता है वो भी जब हम उसको मिक्स करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी लस्सी। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून के करीब शुगर डाली हुई है, 3 टेबल स्पून, ठीक है। आप चेक कर सकते हो 4 टेबल स्पून, ठीक है। अगर आपको कम ज़्यादा पसंद है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ केसर, ठीक है, एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप उसको हटा सकते हो, इलायची डाल सकते हो, जो भी आपको पसंद हो वो। और बस अब हमने इसको कर लेना है चर्न, ठीक है। मैं इसमें थोड़े से जो मैंगो के पीसेज हैं वो थोड़े से बाइट्स रख रही हूँ, बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं बना रही हूँ। बट अगर आपको बहुत स्मूथ बनाना है तो आप इसे आराम से 1.5 मिनट तक चर्न करें, मैं इसको सिर्फ 1 मिनट तक के लिए कर रही हूँ, ठीक है। और ये जो लस्सी है बन करके रेडी है, बहुत ज़्यादा फिलिंग होती है, फ्रेश होती है। रमज़ान का टाइम चल रहा है, अगर आप अभी इसको लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा यू नो फीलिंग होगा बॉडी में, और बहुत जल्दी भूख नहीं लगेगी। एंड ट्रस्ट मी, टेस्ट सो अमेजिंग। और केसर का इसमें जो अलग से जो फ्लेवर आता है वो इस लस्सी की जो टेस्ट उसको और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो यस, ये मैंगो लस्सी रेडी है, आप इसको एक बार ही ज़रूर ट्राई करें अपनी किचन में, आई होप आपको अच्छी लगेगी। सो जो नेक्स्ट लस्सी है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है खजूर लस्सी। खजूर बहुत ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं डाइट्स लेकर के, हर चीज़ के लिए फिलिंग होते हैं, हेल्दी होते हैं, ठीक है। और मैं इसके लिए भी यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे 1/2 कप मैंने दही, 1/2 कप मिल्क लिया हुआ है, और 2-3 टेबल स्पून पानी लिया हुआ है, थोड़ी सी आइस ली हुई है, और लिया हुआ है शुगर मैंने 3 टेबल स्पून, और 4 आप देख सकते हो खजूर लिया हुआ है, ठीक है। मैं बना रही हूँ इसकी सिर्फ 1 गिलास लस्सी। तो क्या कर लेना है, सबसे पहले दही को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ों को मैंने इसको ब्लेंडर जार में ले लिया है, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो खजूर होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं, ठीक है, इनको पिसने में टाइम लगता है। अगर आप सब कुछ एक साथ डाल के ज़्यादा देर तक मशीन चलाओगे तो उसमें घी निकल जाएगा, बहुत चिकनाहट आ जाएगी आपकी लस्सी में, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ कि सबसे पहले जो खजूर है उनको डाल करके हम पीस ले रहे हैं मिल्क के साथ, छोटे छोटे पीस कर लेंगे जिससे कि थोड़ी सी आसानी होगी इसको पिसने में। तो इस तरीके से मैंने काट लिए हैं बीज, इसके बाहर निकाल दिए हैं, खजूर के बीज यूज़ नहीं करना है हमको। और खजूर क्या होता है, अगर आप रोज़ भी अगर दो आपकी डाइट में ले रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा फीलिंग रखते हैं, फ्रेश रखते हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे विटामिन्स वगैरह होते हैं। तो आप अगर आप डाइट पर भी हो तो भी अगर आप इसको खाते हो तो बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल होते हैं। तो यस, मैंने इसको डाल दिया। और आपको अगर दो ड्राई फ्रूट्स के डब्बे रखे दिख रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि ये मैं हमेशा यहाँ रखती हूँ, जब मन करता है लेकर के थोड़ा सा खा लो। तो अगर आपको लस्सी में भी एक्स्ट्रा फ्लेवर पसंद है ड्राई फ्रूट्स का तो आप आराम से डाल करके ऐड कर सकते हैं। मैं कभी कभार ऐसा करती हूँ कि कुछ काजू या कुछ डाल लेती हूँ। तो अब जैसे ही देखा आपने, खजूर का जो पेस्ट है वो बन करके रेडी हो गया है। तो लास्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है पानी और दही। अब हम इसको चला लेंगे लगभग 30 से 40 सेकेंड के लिए, और बस ये खजूर की लस्सी बनकर के रेडी होगी है। हमें मैंने आज बहुत ना स्लो उसमें ये वीडियो बनाया हुआ है। लोग कई बार मुझे रिक्वेस्ट आती है कि आपका वीडियो कभी कभार बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है तो समझ नहीं आता, तो मैंने सोचा कि नहीं, आज इसको पूरा बिल्कुल स्लो जैसा जो नॉर्मल स्पीड होती है उस पर चलाते हैं। आई होप आपको अच्छा लगेगा वीडियो। तो बस ये लस्सी बन करके रेडी है, और ये मैंने 1 ही ग्लास लस्सी बनाई है। इसका जो मेज़रमेंट है इतना जो मैंने लिया है उसे 1 ग्लास जो डिसेंट जो 1 ग्लास होता है उतना बन करके रेडी हो जाता है। अगर आपको ज़्यादा बनाना है, कम बनाना है, तो आप आपके हिसाब से जो भी इसकी क्वांटिटी है उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। और आप देख सकते हो कितनी गाढ़ी बनी है। पानी अगर हम इसमें ऐड नहीं करेंगे तो, क्योंकि जो छुआरा होता है खजूर वो बहुत ज़्यादा
थिक कर देगा लस्सी को, फिर वो आपको पीने में थोड़ी सी वो होगा, गाढ़ा लगेगा, इसलिए मैंने पानी ऐड किया। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी, कितनी क्रीमी टेक्सचर की लस्सी बन करके रेडी हुई है, खजूर की लस्सी। इसको ज़रूर ट्राई करें, सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। देख सकते हो आप कितना गाढ़ा, कितना मस्त इसका टेक्स्चर आया हुआ है। तो यस, खजूर की लस्सी भी बन करके रेडी है, और ये दोनों ही लस्सी बहुत अलग इसका फ्लेवर होता है एक दूसरे से, एंड बहुत यम्मी लगती है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें, एंड अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड शेयर दिस रेसिपी विद योर फैमिली फ्रेंड्स, एंड हैप्पी रमजान, ईद मुबारक हो इन एडवांस। एंड यस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी कुकिंग एंड हैप्पी ईटिंग। थैंक यू।